गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर नंबर 12 ऑफ योर एसएसटी बुक, दैट इज मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। टुडेज आवर टॉपिक इज नॉन मेटलिक मिनरल्स। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। दीज मिनरल्स डू नॉट कंटेन एनी मेटल्स। इन मिनरल्स में कोई भी मेटल्स नहीं होता, किसी भी प्रकार का मेटल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, कोल, कोयला, पेट्रोलियम, सोल्ट, नमक, लाइमस्टोन, चूने का पत्थर एंड प्रीशियस स्टोन्स। ये जो है कोल, पेट्रोलियम, सोल्ट, लाइमस्टोन एंड प्रीशियस स्टोन्स जो है, ये क्या है? नॉन मेटलिक मिनरल्स है। ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन मेटलिक मिनरल इज़ कोल। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नॉन मेटलिक मिनरल क्या है? कोल है, मीन्स कि कोयला है। इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल फॉर कुकिंग, रनिंग इंडस्ट्रीज एंड जनरेटिंग थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। देखो, इसका यूज़ हम फ्यूल के रूप में करते हैं। किस लिए करते हैं? कुकिंग करने के लिए, रनिंग इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज जो है इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए, एंड जनरेटिंग थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के कुछ पार्ट्स में इट इज़ स्टिल यूज्ड फॉर रनिंग ट्रेन्स। इंडिया के कुछ पार्ट्स में कोल का यूज़ क्या करने के लिए? ट्रेन को चलाने के लिए भी किया जाता है। कोल माइंस आर लोकेटेड इन द स्टेट्स ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। कोल माइंस जो है इस स्टेट्स में स्थित है, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में एंड मध्य प्रदेश में। सम मेजर कोल माइंस आर लोकेटेड इन झरिया, रानीगंज, कोरबा, नेवेली, बोकारो एंड धनबाद। कुछ कोल माइंस जो है वो यहाँ पे भी स्थित है। इट इज़ यूज इन मेकिंग केमिकल्स, ड्रग्स, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर्स मीन्स की खाद एंड कॉस्मेटिक्स। ये देखो वो क्या कह रहे हैं कि इसका यूज़, कोल का यूज़ जो है केमिकल्स बनाने के लिए, ड्रग्स बनाने के लिए, प्लास्टिक्स, फर्टिलाइजर्स एंड कॉस्मेटिक्स का सामान बनाने के लिए भी किया जाता है। कोल इज़ राइटली कोल्ड द ब्लैक डायमंड ऑफ इंडिया। कोल को और किस नेम से जाना जाता है? ब्लैक डायमंड ऑफ इंडिया के नेम से। ठीक है, पेट्रोलियम इज़ ए मिनरल ऑयल। पेट्रोलियम जो है ये क्या है? खनिज तेल है। इट इज़ ऑल्सो कोल्ड ब्लैक गोल्ड। और पेट्रोलियम को किस नेम से जाना जाता है? ब्लैक गोल्ड के नेम से। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड इन क्रूड फॉर्म। ये जो है क्रूड फॉर्म से निकाला जाता है एंड देन रिफाइंड एट ऑयल रिफाइनरीज। और इसको क्या किया जाता है? ऑयल रिफाइनरीज में रिफाइंड किया जाता है। वी गेट फ्यूल सच एज पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल एंड कुकिंग गैस फ्रॉम पेट्रोलियम। देखो, हमें वी गेट फ्यूल्स, ये जो हमें फ्यूल्स है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है एंड कुकिंग गैस जो है, ये सारे क्या है? फ्यूल्स है। ये हमें किससे मिलते हैं? पेट्रोलियम से ही मिलते हैं। पेट्रोलियम डिपॉजिट्स आर प्रेजेंट डीप इनसाइड द अर्थ। देखो, जो ये पेट्रोलियम है ये कहाँ पे डिपॉजिट है, हमें कहाँ से मिलता है? अगर हम अर्थ में, पृथ्वी में बहुत गहरे गहरे अंदर गड्ढे करते हैं तो वहाँ से हमें पेट्रोलियम मिलता है। डीप ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड टू एक्सट्रैक्ट पेट्रोलियम। देखो, डीप ऑयल वेल्स मतलब कि ऑयल के जो वेल्स होते हैं उसको मतलब बहुत गहरे तरह से उसमें गड्ढे किए जाते हैं, जिससे क्या निकाला जाता है? पेट्रोल निकाला जाता है। ए रीज़न डैट हैज़ मैनी ऑयल वेल्स इज़ नोन एज एन ऑयल फील्ड। देखो, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे ऑयल के वेल्स होते हैं मतलब कि तेल के कुएं होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? ऑयल फील्ड। ठीक है, इन इंडिया पेट्रोलियम इज़ प्रोड्यूस एट थ्री प्लेसेस। इंडिया में पेट्रोलियम जो है इन तीन जगह में प्रोड्यूस होता है, मींस कि बनता है। कहाँ कहाँ बनता है? असम, गुजरात एंड नियर मुंबई। पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग सेंटर्स कौन कौन से हैं? आर बॉम्बे हाई, डिगबोई, शिवसागर, कैम्बाई एंड अंकलेश्वर। ये जो है क्या है? पेट्रोलियम को प्रोड्यूस करने के सेंटर्स हैं। स्ट्रेंज बट ट्रू। अब ये देखो, क्वार्ट्ज। देखो, ये क्वार्ट्ज क्या होता है? एक स्टोन होता है, कलरलेस स्टोन होता है। इज़ ए मिनरल। ये भी क्या है? मिनरल है। विच इज़ यूज इन इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज। इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज में करते हैं। इट कंट्रोल्स टाइम कीपिंग। ये टाइम को कंट्रोल करता है विद ग्रेट एक्यूरेसी, बहुत ही शुद्धता के साथ। कि हमें इससे क्या एग्जैक्ट टाइम पता चलता है। ओके, इंडियाज मेन रिफाइनरीज फॉर क्रूड ऑयल। इंडिया में क्रूड ऑयल की जो रिफाइनरीज है वो कहाँ कहाँ स्थित है? डिगबोई, मथुरा, बरौनी,
हल्दिया, कोची, मुंबई एंड चेन्नई. ओके, इराक एंड सऊदी अरेबिया आर द लार्जेस्ट सप्लायर्स ऑफ पेट्रोलियम ऑयल इन द वर्ल्ड. देखो पूरे वर्ल्ड में पेट्रोलियम ऑयल की सप्लाई कौन करता है? सऊदी अरेबिया और इराक करता है. 13 ऑयल फील्ड्स ऑल्सो यील्ड नेचुरल गैस बिसाइड पेट्रोलियम. देखो ऑयल फील्ड्स में मीन्स कि जहाँ पे बड़े बड़े ऑयल के वेल्स होते हैं वहाँ पे पेट्रोलियम के अलावा और क्या बनता है? नेचुरल गैस भी बनती है. नेचुरल गैस इज यूज्ड एज ए फ्यूल. नेचुरल गैस का भी यूज़ हम फ्यूल के रूप में करते हैं. कहाँ कहाँ करते हैं? होम्स में, घरों में, इंडस्ट्रीज में एंड व्हीकल्स में. सीएनजी का मीनिंग क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज अ पॉपुलर फ्यूल टू रन व्हीकल्स. व्हीकल्स को चलाने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं. An important fact about the earth mineral resources is that they are present in limited quantities. अब देखो सबसे important बात ये क्या बोल रहे हैं कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि अर्थ में जो ये मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं इसकी जो है बहुत ही मतलब ये लिमिटेड क्वांटिटी में ही रह गए हैं. देयरफॉर इसलिए वी शुड यूज़ देम जुडिशली. मतलब हमें सोच समझ कर इसका यूज़ करना चाहिए. मिनरल्स मस्ट बी यूज्ड इन अ प्लान्ड मैनर. देखो हमें इसकी पूरी प्लानिंग करके ही मिनरल का यूज़ करना चाहिए ताकि हम इसको वेस्ट ना कर सकें. इंस्टीड ऑफ थ्रोइंग यूज्ड ऑब्जेक्ट. देखो जो भी हम ऑब्जेक्ट को यूज़ कर लेते हैं उसको फेंकने के अलावा वी मस्ट क्रिएट न्यू वंस फ्रॉम देम. हमें उसी से ही कुछ न्यू बनाना चाहिए. एंड सेव वेस्टेज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. और हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की वेस्टेज को क्या करना चाहिए? सेव करना चाहिए. मींस कि हमें एक बार यूज़ करके चीज़ों को फेंकना नहीं चाहिए. दिस कैन बी डन बाय रिसाइकलिंग. ये कैसे हम कर सकते हैं? रिसाइकलिंग के द्वारा. मीन्स कि एक चीज़ को बार बार यूज़ करके. इन दिस ओल्ड ऑब्जेक्ट्स आर मेल्टी टू मेक न्यू ऑब्जेक्ट. और हमें क्या करना चाहिए? ओल्ड ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके कुछ न्यू बना देना चाहिए. इट इज़ ऑल्सो इशेंशियल टू फाइंड अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी. और हमें एनर्जी के दूसरे स्रोतों को भी फाइंड आउट करना चाहिए. ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है. साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो साइंटिस्ट है वर्किंग हार्ड टू फाइंड अल्टरनेट सोर्स. और हमें मतलब कि अल्टरनेट सोर्स दूसरे सोर्स को खोजने के लिए क्या कर रहे हैं? बहुत ही वर्क हार्ड कर रहे हैं. विच आर रिन्यूएबल, जो कि क्या है? रिन्यूएबल है. ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.